स्ट्रीट फूड। पेटूपुर नाम के गांव में लोग स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उस गांव में बहुत सारे खाने की रेडियो में बहुत किस्म के व्यंजन बेचते थे। एक दिन उस गांव में दगाचंद नाम का एक व्यक्ति आया, जिसे उसके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। दगाचंद उस गांव में कोई नौकरी की तलाश में स्ट्रीट फूड रेडियो के पास आया। उनका धंधा बढ़िया चल रहा देख के उसे एक तरकीब सूझी। उस गांव में उसने चार लड़कों को तैयार किया, शर्ट को टक करके टाई बांध कर उन रेडियो के पास गया। वहां बीच में एक टेबल डालकर, ओ देखिए, मेरा नाम दगाचंद है, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। मुझे सूचना मिली है कि आप लोगों ने खाने में मिलावट किया हुआ है, मुझे उन्हें जांचना होगा। आप जो बेच रहे हैं उनका सैंपल मेरे टेबल पर रखें। वे डर कर चाट, समोसे, चिकन मंचूरिया, आइसक्रीम सब लाकर उसके टेबल पर रखा। वो सब खाने लगा। समोसा खाते हुए, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ ना, इसीलिए मुंह में खाना डालते ही मैं जान जाता हूँ कि उसमें मिलावट है या नहीं, पर तुम्हारे समोसे में ऐसा रसायन मिलाया हुआ है जो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन्हें अब लैब भेजकर जांच करना पड़ेगा। एक काम करो, 50 समोसे पार्सल करके लाओ। वो डर कर समोसा पार्सल करके लाया, बाद में आइसक्रीम खाकर, अरे तुम्हारे आइसक्रीम में आइस ज्यादा है और क्रीम कम, लैब भेजना होगा। 20 आइसक्रीम पार्सल करना। वो एक डिब्बे में लेकर आया। चिकन मंचूरिया खाकर उसे जोर से चांटा मारा, क्यों बे, मंचूरिया ऐसे बनाते हैं? इसे तुरंत चाइना के लैब में भेजकर जांच करना पड़ेगा। 20 प्लेट मंचूरिया, 20 प्लेट चिकन 65 और 20 प्लेट नूडल्स लेकर आओ, जाओ। वो डरते हुए पार्सल लेके आया। बाद में दगाचंद ने तैयार किए लड़कों से, सुनो, तू तुरंत ये आइसक्रीम स्कूल के पास जाकर बेच के आओ, और तुम उस समोसे को रेलवे स्टेशन पर जाकर बेचो। तुम इन चाइनीज आइटम्स को जिम के सामने टेबल लगाकर बेचो। दोपहर तक उन्होंने सब बेचकर दयाचंद को आकर पैसे दिए, उसने उन्हें कमीशन दिया। बाद में रेडियो के पास जाकर टेबल लगाकर, आपने जो सवेरे बनाया था उसे मैंने लैब भेज दिया है, अब दोपहर का बनाया हुआ मुझे दिखाओ। उन्होंने फिर से उन आइटम्स को टेबल पर रखा। उसने एक एक खाया। ना ना, आप लोग बदले नहीं, अब भी मिलावट कर रहे हो। आप सारा पैक करके दे दो मुझे, उसे सेंट्रल लैब में भेजना होगा। वे डर कर सारा खाना एक ऑटो ट्राली पर चढ़ाया। दगाचंद ने उन चारों लड़कों को ऑटो ट्राली सौंपा। वे यूं हर रोज आकर खाने की वस्तुओं को ऑटो पर चढ़ाने लगे। एक दिन एक आदमी ने हिम्मत करके, ये क्या है सर, फूड इंस्पेक्टर जब तब आकर चेक करते हैं, पर यूं तीनों टाइम आकर सारा खाना थोड़ी ले जाते हैं सर। दगाचंद ने उसे थप्पड़ मारा, और तुम लोग इतना मिलावट करते हो, इसीलिए मुझे यहाँ स्पेशल ड्यूटी पर भेजा है, वरना तीन वक्त तुम लोगों का खाना इकट्ठा करके उतनी दूर लैब भेजना मुझे क्या जरूरत है। कल से इसे ले जाने का खर्चा भी तुम्ही लोगों को देना होगा। वो हिल गया। एक दिन दगाचंद बिरयानी पॉइंट पर जाकर लैब भेजना है कहकर 100 बिरयानी पैकेट को पार्सल कराया। उस दिन शाम को उस बिरयानी पॉइंट का मालिक दिनेश ट्रेन पर चढ़ा। बिरयानी भैया, बिरयानी, स्पेशल दम बिरयानी, आवाज लगाता हुआ जा रहा था। दिनेश को भूख लगी थी तो उसने एक पैकेट बिरयानी खरीदा, उसे थोड़ा खाया। अरे ये तो मेरा बनाया हुआ स्पेशल दम बिरयानी है, ये ट्रेन में कैसे आया, कहकर थोड़ी देर के लिए सोचा। उसे सारी बात समझ में आया। अगले दिन स्ट्रीट फूड वालों को जाकर दगाचंद के बारे में सब कुछ बताया। वे हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद दगाचंद ने टेबल लगाकर, आओ अपना खाना इस टेबल पर रखो। उन्होंने उस प्लेट में रखे खाने में जुलाब की गोलियां मिलाई, उसे लाकर टेबल पर रखा। दगाचंद ने उसे खाया, उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगा, वो पेट पकड़कर भागा। शाम को लौटकर,
क्यों इतना मिलावट करते हो? तुम लोगों का खाना खाकर मेरा पेट खराब हो गया है। अब सबको 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा तुरंत, वरना जेल में डाल दूंगा। हम भी यही सोच रहे हैं सर। चलो जेल चलते हैं, तुम्हें जेल में डालकर हम अपना घर चलते हैं। दगाचंद घबरा गया, सब ने उसे खूब मारा। बाद में पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला। पराठा। एक गांव में पुरातन कुमार नाम का एक पुरातत्व शाखा अधिकारी रहता था। एक दिन उसके घर एक बुढ़िया आई। बेटा, सुना है कि तुम पुराने वस्तुओं को खोद कर निकालते हो। हमारे कुएं में लोटे, घड़े और बकेट कई सालों से पड़ा हुआ है, जरा निकाल दोगे बेटा? मैं तुम्हें 2 कनिस्टर आटा और अठनी दूंगी। पुरातन कुमार बौचक्का रह गया। क्या अठनी दोगी? आप किस जमाने में हो माताजी? वैसे भी मैं वो सब पुरानी वस्तुओं को नहीं निकालता, मैं तो सिर्फ कीमती पुरातन वस्तुओं को ही खोद कर निकालता हूँ, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। हमारे कुएं में पड़े वो लोटे भी तो पुरातन ही है बेटा। इस गांव में सब कहते हैं कि उन्हें तुम्हारे अलावा कोई और नहीं निकाल सकता, जरा आकर निकाल देना बेटा। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यूं बेइज्जती ना करो। मैं कुएं से पुराने वस्तुओं को निकालने वाले को भेजता हूँ ढूंढकर आपके पास, आप जाइए, कहकर उसे प्रणाम किया। एक दिन पुरातन कुमार पहाड़ी इलाके में खुदाई कर रहा था, वहाँ कुछ हड्डियाँ मिली। ये हड्डियाँ 100 साल पुरानी हैं, किसकी होंगी? यूं सोच रहा था कि उसे उन हड्डियों के बीच में एक पराठा दिखाई दिया। पुरातन कुमार ने उसे देखकर हैरान हो गया, उसे उठाकर, ये क्या पराठा मिट्टी में मिलकर भी अभी तक खराब नहीं हुआ? 100 साल में बिना खराब हुए पड़ा है, यकीन नहीं होता। उस पराठे को अपने लैब में टेस्ट किया। अरे हाँ, ये तो वाकई 100 साल पुराना है। ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा होगा, या फिर ये कोई मांत्रिक हुआ होगा। पता लगाना होगा कि ये कौन था। पुरातन कुमार उस इलाके के आसपास के गांव में पराठा लेकर घूमते हुए सबसे उसके बारे में पूछने लगा। सब कहने लगे कि वे नहीं जानते। एक गांव में एक बूढ़ा उस पराठे को देखकर, अरे इतने दिन अगर ये पराठा खराब नहीं हुआ है तो जरूर ये उस पराठा पन्ना लाल का ही बनाया होगा, उसके पड़ पोते हीरा लाल साथ वाले गांव में ही रहता है, उससे जाकर पूछोगे तो आपको उसके पड़दादा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पुरातन कुमार हीरा लाल के घर गया, उसे उसने वो पराठा दिखाया। अरे वाह, ये तो मेरे पड़दादा पराठा पन्ना लाल का बनाया हुआ पराठा है, ये उनका बनाया हुआ आखिरी पराठा है। मेरे दादाजी ने कहा था कि इसके साथ ही उनको दफना दिया गया था, यानी कि वो हड्डियां पन्ना लाल जी की हैं। यूं सोचकर हीरा लाल से, वैसे तुम्हारे पड़दादा जी यूं ना खाए जाने वाला पराठा, ना चबाए जाने वाला पराठा, रबड़ से भी सख्त पराठे को क्यों बनाते थे? उसकी एक खास वजह है सर, मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा फ्लैशबैक बताता हूँ। देखिए, वो दूसरा विश्व युद्ध का समय था। उस लड़ाई में हमारे सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की खूब मदद की। उस समय ये रदरफोर्ड नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी पन्ना लाल जी पराठे वाले की दुकान पर आया। उसने पराठा खाने की कोशिश की, बहुत कोशिश करने पर भी उसके टुकड़े नहीं कर पाया। दोनों हाथों से खींचा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बहुत जोर से चबाया पर कोई असर नहीं हुआ। तब पन्ना लाल को बुलाकर, ये क्या क्या मिलाकर इसे बनाया है, इस पराठे को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। अरे गलती हो गई सर, इस आटे में कुछ मिल गया है, आपको मैं दूसरा पराठा बनाकर देता हूँ, रुकिए। नहीं नहीं, तुम ये पता लगाओ कि इस पराठे में क्या मिलाया है, और ऐसे ही 1000 पराठे बनाकर हमें देना। हम इसे अपने तोप में डालकर चलाएंगे और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस तरह पन्ना लाल ने उन्हें पराठे सप्लाई करना शुरू किया। एक दिन रदरफोर्ड, मिस्टर पन्ना लाल, तुम्हारे पराठे के मार से जर्मनी का सेना का तहस नहस कर दिया, तुम और भारी मात्रा में पराठे बनाओ। वैसे ही युद्ध की वजह से हमें टायरों की भी कमी महसूस हो रही है,
इसलिए अगर आप टायर के साइज का भी पराठा बनाकर देंगे तो हमारी मदद के पात्र बनेंगे। ठीक है सर, मैं तुरंत आपको पराठा टायर बनाकर देता हूँ। इस तरह अंग्रेजों ने पन्नालाल के तैयार किए पराठे टायर को जीप और कार में लगाकर चलाते थे। इस तरह पन्नालाल बहुत मशहूर हो गया। अंग्रेज उसे पराठा पन्नालाल करके बुलाने लगे। एक दिन पन्नालाल के बनाए पराठे को एक युद्ध विमान में ले जा रहे थे, तभी एक पराठा फिसलकर नीचे जमीन पर आ गिरा। वो यूं हवा में उड़ते हुए नीचे आकर सीधा पन्नालाल के सिर पर जा लगा। पन्नालाल, ओए मैं मर गया कहकर नीचे गिर गया। वे आखिरी सांस लेते हुए अपने बेटे से, बेटा मेरे साथ ही इस पराठे को भी दफना देना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। सारा फ्लैशबैक सुनकर पुरातन कुमार, तो ये वो पराठा है जिसने तुम्हारे परदादा की जान ली? हाँ, मैं और मेरे पिताजी इस पराठे को पाने के लिए बहुत सारे जगह पर हमने खुदाई की। हम जान नहीं पाए कि उन्हें कहाँ दफनाया गया था और उम्मीद छोड़ चुके थे। अब आपकी मेहरबानी से ये पराठा मिला है। आप यदि ये पराठा मुझे देंगे तो ये जानकर कि इसे कैसे बनाया है, मैं उनके सपने को और धंधे को आगे बढ़ाऊंगा। नामुमकिन, ये बहुत कीमती स्मारक है, इसलिए इसे सरकार को ही सौंपना होगा। हम इसके रेसिपी को पता लगाकर बहुत सारे पराठे बनाएंगे, उसे हम चौथे विश्व युद्ध के लिए इस्तेमाल करेंगे। हीरा लाल ने तुरंत उस पराठे को पुरातन कुमार से छीना और उसके सिर पर मारा। पुरातन कुमार बेहोश हो गया। हीरा लाल वो पराठा लेकर भाग गया। चॉकलेट नूडल्स। गोपालगंज के गांव में नीलेश कहकर एक नूडल्स बेचने वाला व्यापारी रहता था। रोज रोज उनका नूडल्स का दुकान में लोग आना कम कर दिए थे, तो नीलेश उनकी पत्नी रानी से, रानी हमारा नूडल्स का व्यापार हर रोज कम होता जा रहा है, अगर ऐसे ही हुआ तो कुछ ही दिनों में हम इस दुकान का किराया भी नहीं भर सकते हैं। हे भगवान, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ तो करके नया तरीके के नूडल्स बनाना शुरू कीजिए। कस्टमर को आकर्षित करेंगे। क्या और कैसे करना है ये आप सोचिए। बोल रही थी, इतने में उसका बेटा चिंटू आकर, माँ मुझे चॉकलेट चाहिए प्लीज, चॉकलेट खरीद कर दो ना माँ। तुम ठहरो चिंटू, मैं और तुम्हारे पिता एक जरूरी बात कर रहे हैं और हमारे धंधा भी गिर रहा है, तुम बीच में डिस्टर्ब मत करो। वो सब मुझे मालूम नहीं है, मुझे चॉकलेट चाहिए ही चाहिए प्लीज माँ। ठीक है ए, पैसे लेकर चॉकलेट खरीदो कहकर पैसे देकर भेजा। इस जमाने के बच्चे हमारे मुश्किलों को समझते ही नहीं हैं। जब भी देखो चॉकलेट खाना है कहकर जिद करते हैं। क्या रहता है इस चॉकलेट में? रानी, मुझे एक बेहतरीन आइडिया आया है, अगर वो आइडिया सफल हो गया तो हमारा जिंदगी बदल जाएगी। ये लो ये पैसे लेकर 10 किलो का चॉकलेट लेके आओ। क्या 10 किलो का चॉकलेट चाहिए? इतना सारा क्या करोगे? बच्चा रोया है कहकर उसके लिए इतना चॉकलेट खरीदने की क्या जरूरत है? इतने में नीलेश, रानी रानी रुको रुको प्लीज, तुम्हारा ये बकवास बंद करो, मैं चॉकलेट पूछा वो बच्चे के लिए नहीं है, हमारा नूडल्स बिजनेस के लिए। कल से हम चॉकलेट नूडल्स तैयार करने वाले हैं। इस दुनिया में चॉकलेट्स किसको पसंद नहीं है बोलो, इसलिए चॉकलेट नूडल्स को तैयार करेंगे। मुझे मालूम है कि चॉकलेट नूडल्स का सेल्स अच्छा होंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे। ऐसे विस्तार से बोलिए ना, आपको विश्वास है ना, मैं जाके लाती हूँ। कहकर रानी जाकर 10 किलो का चॉकलेट खरीद कर आई। अगले दिन नीलेश उस चॉकलेट के साथ चॉकलेट नूडल्स तैयार किया और रास्ते में जाने वालों से, आओ भैया आओ, आओ दीदी आओ, मीठे मीठे चॉकलेट नूडल्स, आइए आइए, अब तक आप बहुत नूडल्स खा चुके होंगे लेकिन ये नया चॉकलेट नूडल्स कहीं नहीं खाए होंगे, आइए आइए कहकर पुकार रहा था। तो उधर लोग आकर चॉकलेट नूडल्स खाना शुरू किए। तब लोगों में से एक, अरे वाह नीलेश भाई, ये चॉकलेट नूडल्स तो बढ़िया है, और एक प्लेट दो, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, 4 प्लेट और पार्सल कर दो, हमारे घर में बच्चों को भी खिलाएंगे कहकर उधर खाकर लोग पार्सल्स भी ले जाने लगे। उस दिन से लेकर नीलेश का चॉकलेट नूडल्स बहुत मशहूर हो गया था और लोग भी ज्यादा आने लगे थे। नीलेश भी बहुत पैसा कमा लिया, पैसों से एक नया गाड़ी भी खरीद लिया। नया गाड़ी से उतर कर नीलेश की बीवी रानी, सुनिए जी, ये कार हमारे चिंटू को चाहिए कहकर पूछ रहा है, इसलिए मेरे लिए एक और कार बुक कीजिए ना, दोनों के लिए एक कार बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है डार्लिंग, उसमें क्या बात है, कल ही नया गाड़ी बुक कर लेंगे।
ये सब उनके दुकान में नूडल्स खाते हुए एक बदमाश मुन्ना ने सब कुछ सुन लिया और उनके दोस्त से, अरे ये क्या, ये नूडल्स वाले तो बहुत ज्यादा दाम वाला कार खरीद लिया और उनको बीवी से बोल रहा है कि डार्लिंग और एक कार खरीदूंगा, इतना संपत्ति है क्या इसके पास। उस नीलेश का सौभाग्य अच्छा चल रहा है, चॉकलेट नूडल्स के रूप में लक्ष्मी देवी उनके घर में भाड़ जैसा बनकर बैठ गई है, इतना सारा पैसा क्या करेगा, इसलिए कार खरीदा, सोना खरीदा। अच्छा, तो फिर हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा, कहकर उसके कान में कुछ कहा। ठीक है, कहकर सर हिलाया और चला गया। अगले दिन मुन्ना नीलेश के दुकान पर आया और उसका मुंह पर चॉकलेट का रंग था। तब मुन्ना नीलेश से, अरे वो नीलेश, ये तुमने क्या कर दिया है, ऋतिक रोशन जैसा मेरे चेहरे को चॉकलेट रोशन जैसा बदल दिया है, क्या किया है तुमने। कौन हो आप, ये आप क्या बोल रहे हो, मैं आपका चेहरे को चॉकलेट में क्यों बदलता हूँ। अरे वाह, कल ही मैंने आकर तुम्हारे यहाँ नूडल्स खाया था, भूल गए हो क्या, तुम्हारे चॉकलेट नूडल्स खाने के वजह से मेरा मुंह रात में चॉकलेट कलर में बदल गया है, ऊपर से कल मैं एक लड़की को देखने के लिए भी जा रहा हूँ, अब ये चेहरा दिखाया तो मेरा शादी होगा क्या, क्या मिला दिया है तुमने उस चॉकलेट नूडल्स में। कहकर लोगों से, देखिए सब लोग देखिए, इधर कोई नूडल्स मत खाना, ये बेकार का नूडल्स है, कल मैंने सबकी तरह नूडल्स अच्छा है कहकर 2-3 प्लेट खा लिया, बस मेरा चेहरा रात को ऐसा चॉकलेट में बदल गया। जी हाँ, कल मैं भी यहाँ मौजूद था, इस चॉकलेट नूडल्स खाने के वजह से ही मेरा दोस्त का चेहरा ऐसा बदल गया। देखिए बाबू, रुकिए रुकिए, सबके सामने तमाशा मत कीजिए, एक बार अंदर आइए, हम अंदर जाके बात करेंगे आराम से। क्या अंदर जाकर बात करना है, जो भी है सबके सामने ही बात करेंगे, मुझे न्याय करना होगा, कहकर चिल्ला रहा था। हेलो मास्टर, एक बार अंदर आइए, कहकर उनको खींचकर अंदर लेके गया। और मैं भी बहुत दिन से ये चॉकलेट नूडल्स बेच रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, कल भी आपके साथ साथ बहुत लोग भी खाए थे ना, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं हुआ, फिर आपको समस्या आया है, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उनके पास लेकर मैं आपका इलाज कराता हूँ। ये सब नहीं चलेगा, चलो रे हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। अंदर बुलाया तो मैंने सोचा कि कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, चलो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कहकर चिल्लाते हुए बाहर जा रहा था। तभी नीलेश के बेटा चिंटू एक बोतल में चींटियों को भरकर अंदर आ रहा था और ये सब तमाशा देखकर, पिताजी पिताजी, बेचारे अंकल का चेहरा चॉकलेट में बदल गया, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, आजकल मैं YouTube में देखा, अंकल को पकड़कर उस बेंच पर बांधिए और इस बॉटल में चींटियों को उनके चेहरा पर छोड़ता हूँ, फिर देखिए उनका चेहरा फिर से अच्छा बन जाएगा। तब मुन्ना डर गया था और मन में, अरे बाप रे, यहाँ रहा तो वो चींटियां मेरे चेहरे को पूरा काट डालेंगे, जैसे भी इधर से भागना चाहिए, कहकर बाहर भागते हुए, मेरे साथ अन्याय हुआ है कहकर आया तो बाप बेटे मेरे ऊपर हमला करने के लिए देखते हैं, अभी जाकर पुलिस केस लगाता हूँ तो समझ में आएगा, कहकर उधर से जा रहा था। तब SI उनके सामने आया, SI को देखकर मुन्ना घबरा गया। क्यों रे मुन्ना चोर साले, ये नया बेस क्या है, और किसको टोपी लगाने के लिए, और कितने लोगों को चूना लगाते हैं, आज से तुम्हारा दुकान बंद, कहकर नीलेश से, नीलेश भाई ये तो चोर कहीं का है, किसको मैं देखता हूँ, इतने में मुझे चॉकलेट नूडल्स पार्सल करो, कहकर मुन्ना को और उनका दोस्त को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया।